हाय एवरीवन, मो डॉक्टर सत्यजित साहू, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन, जयप्रकाश हॉस्पिटल राउरकेला। आओ मु आज प्लास्टिक सर्जन गोटे रोग विषय आपन कहबी, से हो गायनोकोमास्टिया। कि पूर्वर प्रेजेंट सिनारियो जो कोरोना वायरस पैंडेमिक ता विषय में गवर्नमेंट बहुत सर्कुलर बाहर कर सारी, तथा मुझे कि चाहूँगी जे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहते जे लॉकडाउन को मानतु। मुझे रिक्वेस्ट करी जे हाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करूँ, अननेसेसरी काम बाहर को जातु ना, कारण से रिक्वेस्ट करते आप देश विषय भावतु। कि गोटे कह आपण विषय भावतु, आपण फैमिली विषय भावतु। जदि आप फैमिली विषय भावे आप फैमिली भी सिक्योर करेंगे सांगे ऑटोमेटिकली, समस्त निज फैमिली भी सिक्योर कले इन्फेक्शन प्रिवेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली देशर केयर हो। तेणु ब्रॉडर टर्म में आप देश विषय भावतु ना, आपण विषय आप फैमिली विषय भावतु। रिपीटेडली हैंड वॉश करंतु, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करंतु, आ पर्सनल हाइजीन पर बेसी ध्यान दियंतु, कारण एटा बहुत कंटेजियस डिजीज आ स्प्रेड करले कहारी हाथ में किसी कंट्रोल रहइबो नै, हेल्थ सिस्टम भी किसी हेल्प करिवार बहुत डिफिकल्टी फेस करिवो। आउ प्रेजेंटली मु आपन कहबी आमर प्लास्टिक सर्जरी ओ डिजीज गायनोकोमास्टिया। गायनोकोमास्टिया जहाँ होची कि मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, एटा कौन 30% ऑफ मेल पॉपुलेशन एतरे अफेक्टेड हितांती। एटा मोस्ट कॉमन मेल ब्रेस्ट प्रॉब्लम मोस्टली देखा जाए यंग एडल्ट मानक पाखरे, ता माने नहि कि एटा ओल्ड एज देखा जाए नहीं, ओल्ड एज देखा जाए। आ यार कॉज कौन पचारे, यार कॉज होची मेनली हार्मोनल डिस्टर्बेंस। आम बॉडी रे दुटा हार्मोन अच्छे, मेल हार्मोन एंड्रोजन और फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन। समस्त बॉडी रे, मेल बॉडी रे भी दुटा हार्मोन अच्छे। दुटा हार्मोन मेल रे एंड्रोजन बेसी काम करे, एस्ट्रोजन कम काम करे। जदि एथे डिस्टर्बेंस हुए एस्ट्रोजन बेसी काम करे एंड्रोजन कम काम करे तबे मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो पाए। कि जदि आमर हार्मोन एस्ट्रोजन बेसी सिक्रेशन होगा एंड्रोजन कम सिक्रेशन होगा से डिस्टर्बेंस रे भी मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो पाए। आउ एटा कौन पे बेसी लोक को प्रॉब्लम करे, लोक कहीं आसते हॉस्पिटल कि गोटे साइकोसोशियल प्रॉब्लम हो जाए। यंग एज मोस्टली अफेक्टेड था, से सांग भितरे सार्ट खोली चलाबुला करते ना, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट थाए, सांग साइकोलोजिकल प्रॉब्लम हुए, सोशियलाइजेशन प्रॉब्लम हुए, आउ मन डर हुए जे ब्रेस्ट कैंसर हो गला कि। तेणु से हॉस्पिटल को आसता, आमको एज ए क्लिनिशियन प्रथम तक जेनराल एग्जामिनेशन करा पड़ता है, हाँ ब्रेस्ट एनलार्जमेंट अच्छी, आ सांगे बेले बेले टेस्टिस एग्जामिनेशन करा पड़े कि हाँ किसी टेस्टिकुलर ट्यूमर ना, तो जो थे बेसी हार्मोन सिक्रेशन हो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट कर, कि एडल्ट एज रे ब्रेस्ट कैंसर रूल आउट करा पड़ता है। तेणु किसी टेस्ट नॉर्मल रूटीन टेस्ट छाड़ी आमको अलग किसी टेस्ट एडवाइस करा पड़े, जमीक रेनल फंक्शन टेस्ट, थायरॉइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोनल आसे लाइक एस्ट्रोजन एंड्रोजन हार्मोनल आसे, एलंग विथ आमको किसी रेडियोलॉजिकल टेस्ट करा पड़ता है जमीक मामोग्राफी अल्ट्रासाउंड। ए दुटा टेस्टर माने है आम रूल आउट करा चाहूँ जो कैंसर ना, जे आप ब्रेस्ट केवल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट कैंसर नहीं, ब्रेस्ट टिश्यू हाइपरट्रॉफी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट है, ब्रेस्ट और फैट ग्लैंडुलर टिश्यू एनलार्जमेंट है। यार ट्रीटमेंट पचार गले केत लोक कहते आसे जे आम चाहूँ वेट करने, हाँ ऑब्जर्वेशन एक प्रकार ट्रीटमेंट अच्छी, कितु सेटा हूँ प्री प्यूबर्टल एज ग्रुप, पेरी प्यूबर्टल एज ग्रुप रे जमीक आप 15-18 इयर एज अच्छा ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो पाए, कारण आप हार्मोनल चेंज हो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट आसा सबसाइड कर पाए। आफ्टर 20 ब्रेस्ट एनलार्जमेंट सबसाइड करवा बहुत कम चान्स थाए, तेणु से केस अगर जदि आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, सोशलाइजेशन प्रॉब्लम हो, ब्रेस्ट पेन रोच एनलार्जमेंट सहित, तेज सर्जरी लोक प्रिफर करता पूर्व आमको रूल आउट कर पड़ता है कैंसर अच्छे ना, से बेले बेले आम अल्ट्रासाउंड टेस्टिस आब्डोमिनल सीटी स्कैन भी करा पड़ता है। आउ मेडिकल ट्रीटमेंट या किसी ना, सर्जिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल जहाँकि लाइपोसक्शन विथ रिमूवल ऑफ दि फाइब्रो फैटिक ग्लैंडुलर टिश्यू, जो टिश्यू एनलार्ज होती ताको बाहर करार अच्छी, जेहेतु ग्लांड्र एनलार्जमेंट एटा ब्रेस्ट ग्लांड्र ग्लांड्र ग्लांड को रिमूव करार अच्छे, से स्कार मिनिमम स्कार हुए आउ ब्रेस्टर साइज कम हो जाए, किंतु सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन भी अच्छी जमी पोस्ट ऑपरेटिव आप ब्लीडिंग है कि हेमाटोमा हो पाए,
ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟରେ ବେଷ୍ଟ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଏରିଆରେ ସେନ୍ସେସନ୍ କମ୍ ହୋଇପାରେ, ଆଉ ନିପୁଲ ଆସିମେଟ୍ରି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ଅପରେଟିଭ୍ କେୟାର ଏଜ୍ ପର୍ ଡକ୍ଟର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଫଲୋ କରିବେ ଯେ ହଁ ମୋତେ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ହେଭି ୱାର୍କ କରିବାର ନାହିଁ, ରେଷ୍ଟ ନେବାର ଅଛି, ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ କରିବାର ନାହିଁ, ଜିମ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ମୋତେ ପ୍ରେସର ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି, ସେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଫଲୋ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଏ। ମେନ୍ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କାର, ସର୍ଜିକାଲ ସ୍କାର, ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ହଁ ମୁଁ ସର୍ଜରୀ କରେଇବି, ଛୋଟ ଦାଗ ରହିବ ନା ବଡ଼ ଦାଗ ରହିବ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଜରୀ କରୁ ସେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ପଚାରୁ ଆପଣଙ୍କ ହାଇପରଟ୍ରଫି ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅଛି କି, ଯେମିତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚୋଟ ବାଡ଼ ବାଜିଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ହାଇପରଟ୍ରଫି ହୋଇଥାଏ, ସେଇଟା ପଚାରି ନିଆଯାଏ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବି ଆମେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅଛି, ଯଦି ଡକ୍ଟର ପଚାରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲେ ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କହିବେ ଯେ ହଁ ମୋର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅଛି, ମୋର କେତେ ଚାନ୍ସ ଅଛି ହାଇପରଟ୍ରଫି ହେବାର, କାରଣ ଏଇଟା କସମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେଷ୍ଟର ସିମେଟ୍ରି, ବ୍ରେଷ୍ଟର ସେପ୍ ଜରୁରୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ଜରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଡିଜିଜ୍ର ଏକମାତ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯଦି ପେରିପିବର୍ଟାଲ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କରିପାରିବେ, ଯଦି ପିବର୍ଟି ଆଚିଭ୍ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ତଥା ବ୍ରେଷ୍ଟ ଏନ୍ଲାର୍ଜମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ତେବେ ଆପଣ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲାଇପୋସକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ରିମୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଟିସୁଜ୍।